ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस जो आपके जो फोटोज में हेयर्स होते हैं गाइस आप उनको गाइस और भी अच्छी तरीके से एडिट करके गाइस उनका लुक जो है आप कैसे चेंज कर सकते हो। जैसे गाइस आप सभी ने थंबनेल में देखा गाइस, जैसे कि मैंने उसमें बताया आप सभी को कि आप एकदम हाई एंड क्वालिटी में आप जो अपने हेयर्स को जो है मतलब अच्छी क्वालिटी में एकदम अच्छे तरीके से कैसे सेट कर सकते हो, वो भी गाइस जो आपके हेयर्स है आप उन्हीं को एडिट करके आप बना सकते हो। मतलब कि गाइस कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है अपनी फोटोज में जो हेयर पीएनजी लगाते हैं जिसकी वजह से कि गाइस की वो फोटो जो है नकली दिखती है एंड उससे जो गाइस फोटो एकदम मतलब बिल्कुल ही फेक लगती है एंड जो गाइस हर किसी को पता भी चल जाता है। बट गाइस आज की इस ट्रिक में मैं आप सभी को बताऊंगा कि गाइस आप अपने हेयर्स को आप किस तरीके से आप अपने हेयर्स को कैसे अच्छा एक लुक दे सकते हो एंड उसको एडिट करके आप इतना बढ़िया मतलब कि कैसा बना सकते हो, तो सब कुछ आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना एंड गाइस वीडियो जो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो है पिक्सआर्ट ऐप में आपको ये सिखाते होंगे। तो पहले गाइस आपको मैं पिक्सआर्ट के में करने का पहले आपको मैं जो है ये साइड इफेक्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम टूल्स में चलते हैं एंड यहाँ से हम जाने के बाद स्ट्रेच में जाते हैं। स्ट्रेच में जाने के बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे इसकी पावर को जो है बढ़ा देंगे एंड इसके बाद हम इसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे हम जो है ऐसे टैप करेंगे एंड ऐसे जो हेयर्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है अभी गाइस देखिए मैं यहाँ पे ना आपको मैं यहाँ से करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गाइस यहाँ से जो आपके हेयर्स को और आपकी फोटोज़ की क्वालिटी को क्या नुकसान होता है वो मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है हेयर्स वगैरह तो गाइस आपकी अच्छे से यहाँ पे हो जाती है बट गाइस यहाँ पे जो है आपकी फोटो को बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है एंड मैं आपको दिखाता हूँ पहले करने के बाद। ठीक है तो अभी हम इसको जो यहाँ पे डन कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं अब गाइस देखिए यहाँ पे मैं पहले फोटो को जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा यहाँ पे दिखे ना। ठीक है तो यहाँ पे देखिए गाइस अब फोटो को मैंने यहाँ पे जूम किया अब गाइस क्वालिटी पे आप गाइस थोड़ा सा नोटिस करना है। देखिए गाइस क्वालिटी में देखिए गाइस कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है ना। तो गाइस यहाँ से क्वालिटी को जो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है ये मतलब ये फोटो तो मैं गाइस HD क्वालिटी में अगर आप अपनी फ़ोन की फोटो करोगे तो गाइस एकदम फोटो जो एकदम बेकार हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से अंडो करते हैं एंड आपको जो असली तरीका है जो मतलब कि आपको बेस्ट तरीका वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको जाना है ऐसे Adobe फोटो फिक्स आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल पे आपको इसको सिंपली जाकर सर्च करना आपको यहाँ पे जो है मतलब मिल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं इसको यहाँ पे दोबारा से Adobe फोटो फिक्स को ऑन करूँगा एंड ऐसा ऑन करके क्या यहाँ पे जो है आपको क्या करना है आपको यहाँ पे जब इसको ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपली प्लस पे क्लिक करना है एंड प्लस पे करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड आपके यहाँ पे जो है फाइल ओपन हो जाएगी एंड यहाँ से जो आपको अपनी फोटो का यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है आपको जो बीच वाला ऑप्शन है जो आपको सिंपली इसके ऊपर टाइप करना है एक बारी। ठीक है इस पर टाइप करना है एंड आपको जो वाव वाला जो ऑप्शन है आपको इसमें चले जाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो है साइज़ वगैरह जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है तो साइज़ के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर टाइप करना है एंड आपको इसको नीचे की तरफ डाउन करना है तो साइज़ छोटा होगा, ऊपर की तरफ टाइप कर प्रेस करोगे तो बड़ा हो जाएगा साइज़। ठीक है तो अब अपने हिसाब से देख लेना आपको कितना साइज़ रखना है तो मैंने यहाँ पे इसका रख लिया। अब यहाँ पे गाइस देखिए आपको यहाँ पे सेम चीज़ वही करनी जो भी हमने पिक्सआर्ट में की थी आपको यहाँ पे सिंपली फोटो को जूम करना है एंड फोटो को जूम करने के बाद जो है गाइस आपको सिंपली यहाँ पे अपने हेयर्स के ऊपर जो है ऐसे मतलब कि आराम आराम से आपको प्रेस करके रखना है एंड ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है तो मैं इसको पहले यहाँ पे अच्छे से कर लेता हूँ एंड गाइस देखिए यहाँ पे जो हेयर्स है ना हेयर पीएनजी लगाने से तो एकदम बेटर है कि गाइस आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना गाइस अच्छे तरीके से तो मतलब गाइस एक तो गाइस एकदम रियलिस्टिक सा लुक आएगा और ऊपर से गाइस फेक भी नहीं लगेगी आपकी फोटो एंड आपसे जो है मतलब कि कुछ आपकी फोटो एडिटिंग में जो है मतलब कि आपकी इंप्रूवमेंट भी होगी। इससे गाइस फोटोज़ जो आपकी अच्छी भी लगेगी एंड लोग भी मतलब बहुत नोटिस करेंगे आपके हेयर्स को कि मतलब यार मेरे हेयर्स कितने अच्छे लग रहे हैं इसके। तो मतलब गाइस हेयर्स से ना मतलब कि जो मॉडल होता है उसमें एक अलग ही लुक आता है तो गाइस मतलब हेयर्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो हमने हेयर्स वगैरह जो एकदम अच्छे से कर लिए यहाँ पे तो मैं थोड़ा साइड से भी कर लेता हूँ। तो गाइस मतलब कि इतना भी ज़्यादा हेयर्स को आपको लंबे नहीं करना है। ठीक है टिकटॉकर्स नहीं बनना है आप लोगों को तो हेयर्स को इतना ज़्यादा लंबा मत करना कि मतलब कि यार मतलब कि एक छपरी जैसा लुक लगे मतलब आपको नॉर्मली करना जैसे कि देख सकते हो मैंने ऐसे पिक्चर्स की तो मतलब कि इतना बढ़िया मतलब नीरज भाई की जो हेयर्स है मैंने मतलब उनके फेस के हिसाब से मैंने एकदम बढ़िया किया है। ठीक है तब आप गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर मतलब कि फोटो में जो बिल्कुल भी क्वालिटी लॉस नहीं हुई है ना एकदम मतलब कि सेम क्वालिटी है। तो गाइस देखिए यहाँ पे बस हेयर्स हैं जो यहाँ पे हमने जो मतलब कि अभी चेंज किए गाइस। ठीक है वो देखिए गाइस है ना मतलब कितना फ़र्क दिख रहा है आपको गाइस। ठीक है तो यहाँ पे इतना हो गया। अब गाइस मैं आपको ना इसमें एक दूसरी फोटो में भी करके दिखाता हूँ तो अभी इसमें सबसे पहले मैं शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ना मैं सेव कर लेता हूँ तो यहाँ पे सिंपली गैलरी पे टाइप करेंगे एंड जो फोटो हमारी सेव हो गई। अब यहाँ से हम बैक चलेंगे। अब गाइस यहाँ से आगे हम वही सेम चीज़ करेंगे प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है तो यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम इस पे जाएंगे मोबाइल वाले ऑप्शन में। अब यहाँ से हम गाइस वापस से जो है हम तोकीर भाई की वाली फोटो ले लेते हैं एंड इस फोटो को लेने के बाद आपको सेम वही चीज़ करनी है। ठीक है उसी टूल में जाना है
एंड यहाँ पे वार्प टूल को लेना है एंड उसके बाद वही सेम चीज़ आपको ब्रश यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे फोटो को जूम करना है एंड यहाँ पे गाइस देखिए हेयर्स में देखना भी गाइस कितना ज़्यादा फर्क आ जाएगा। देखिए गाइस ये हमने अभी यहाँ से प्रेस किया मतलब गाइस ये जो ऐप है ना मेरे को हेयर्स के मामलों के लिए यार बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद आया यार, मतलब बहुत ही बढ़िया ऐप था। एंड गाइस अगर आपको इसके बारे में अगर फुल डिटेल में अगर आपको पूरे टूल्स के बारे में समझना है ना तो गाइस आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए एकदम प्रॉपर कंप्लीट वीडियो ला दूंगा। ठीक है तो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर देखिए, ये देखिए गाइस कितने मतलब काफ़ी अच्छे हेयर्स लग रहे हैं। बाकी गाइस अब मैं इस फोटो को भी सेव कर लेता हूँ एंड बाकी गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।